जिला शिमला के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आज प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार संघियों और भंगियों के बीच उलझ कर रह गई है। भंगियों से उनका मतलब नशा माफिया से था। विक्रमादित्य ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड 1,00,000 तबादले किए हैं, जिनसे कर्मचारी में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव पर प्रदेश सरकार की मेहरबानी बताती है कि बाबाओं से इस सरकार को खासा लगाव है। बाबा रामदेव को देश के सबसे सफल और सबसे अमीर 10 उद्योगपतियों में माना जाता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने देश के इस उद्योगपति पर खासी मेहरबानी की है और पिछली सरकार का फैसला पलटते हुए 28 एकड़ की जमीन काफी कम दर पर लीज पर दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ऊपरी शिमला के साथ भी दोहरा मापदंड अपना रही है। यहां बागवानी क्षेत्र के लिए पिछली सरकार ने जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विश्व बैंक से स्वीकृत करवाया था, वर्तमान सरकार में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने उसमें भी कुछ बदलाव के लिए विश्व बैंक को लिखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमेशा कहते हैं कि उन्होंने मोदी सरकार से इतना पैसा लाया, लेकिन वे ये नहीं बताते कि वे पहले से कर्ज में डूबे प्रदेश को और लोन लेकर क्यों और अधिक ऋणी बना रहे हैं। विक्रमादित्य ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में चुने हुए विधायकों को तो कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती, बल्कि हारे हुए लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिससे सरकार को एक साल पूरा होने का जश्न सरकार को मनाना चाहिए। आज एक साल का कार्यकाल हो रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए एक रैली का आयोजन जो है वो मोदी जी के लिए जिला कांगड़ा के धर्मशाला में किया जा रहा है, जिसमें कई 100 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, मगर क्या किन उपलब्धियों के बेसिस पे ये मीटिंग करी जा रही है, ये जश्न मनाया जा रहा है, ये हम आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहते हैं। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी हुई है, सरेआम आपके अफसरों पे का जो है मर्डर हो रहा है, सिविल राइट एक्टिविस्ट का मर्डर हो रहा है, पिछले एक साल में करीबन 200 बलात्कार प्रदेश के अंदर हो चुके हैं, 250 मर्डर जो है पिछले एक साल में प्रदेश के अंदर हो चुके हैं, प्रदेश के हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं उनको सरकारी वर्दी स्कूलों में नहीं दी जा रही है, स्कॉलरशिप स्कैम घोटाला आज हमारे सामने है, 2,50,000 जो हमारे छात्र है जिन्हें छात्रवृत्ति मिलनी थी आज वो उससे वंचित रह गए हैं, और साथ ही साथ आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जो है डरा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ जो है मुकदमे बनाएंगे अगर वो सरकार के ताल से ताल नहीं मिलाते। इस तरह से विपक्ष को प्रारित को जो है टेरराइज करना, ये किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को जो है वो भाषा को वो जो है शोभा नहीं देता है। जो भी और कमियां आज सरकार की है उनको लोगों के समक्ष रखना हमारा दायित्व है, चाहे बसों की खरीद फोक्त की बात हो, हमारे समय में जो बसें खरीदी थी उससे दुगने कॉस्ट पे जो है ये बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक घोटाले की जो है बू हम लोगों को आ रही है, इस पे भी मुख्यमंत्री जी को देखने की आवश्यकता है। बाबा रामदेव की जो ज़मीन है इस पे वन टाइम लीज मनी जो 27 करोड़ रुपए की कांग्रेस सरकार ने रखी थी उसे कम कर आज जो है करीबन 2.5 करोड़ रुपए में वो ज़मीन जो है कौड़ी के भाव हिमाचल प्रदेश की ज़मीन उनको दी गई थी, जहाँ पे हमने पूर्व बीजेपी सरकार पे ये आरोप लगाया था कि हिमाचल इज ऑन सेल। आज देश के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट उद्योगपति बाबा रामदेव केवल एक योग गुरु नहीं है, वो देश के सबसे अमीर 10 उद्योगपतियों में से एक उद्योगपति है। उनको अगर हिमाचल प्रदेश की ज़मीन कौड़ियों के भाव दे दी जाती है तो इस पे अगर हम आरोप ये लगाएंगे कि हिमाचल इज ऑन सेल तो वो आरोप जो है वो गलत नहीं होगा, इस चीज़ को भी इनको देखने की आवश्यकता है। तो प्रदेश सरकार ने जनमन शुरू किया है, ये हम कहते हैं कि ये जनमंच नहीं है, ये झंड मंच है। यहाँ पे जितने भी हमारे अधिकारी हैं, SDMs है, XCNs है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं उनको जो है यहाँ पे प्रारित किया जाता है, उनको यहाँ पे अपमानित किया जाता है, और ये केवल एक रेड
कारपेट जो है वेलकम वहां पे मुख्यमंत्री मंत्रियों को दिया जाता है। हर एक जनमंच का खर्चा करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए आता है, जिसमें सरकारी खजाने का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो हो रहा है, एंड इट इज नॉट सॉल्विंग द पर्पस फॉर विच इट वॉज इंस्टीट्यूटेड। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि उस पर भी वो इंट्रोस्पेक्शन करे, उनको अगर लग रहा है कि ये डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे रहा है, दे शुड रिकॉल दिस एक्शन, और जो पूर्व सरकार द्वारा जो हमारा जो एक कार्यक्रम चलाया जाता था उसको जो है प्रशासन जनता के द्वार उसको फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। आदर्श हिमाचल के लिए शिमला से प्रियंका शर्मा की विशेष रिपोर्ट।